कोरोना वायरस किस देश की उपज है यह तो किसी से छिपा नहीं है। इस वायरस की जांच पड़ताल करने के लिए अमेरिका सहित कई देशों ने खुफिया तरीके से पता लगाने की कोशिश की, जिसकी सभी कड़ियां चीन से जा मिली, जिसके बाद तो यह साफ हो गया कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन से ही हुई थी, जिसके बाद जिनपिंग सरकार आरोपों के घेरे में भी आए, लेकिन चीन सरकार इन सभी आरोपों से अपना पलड़ा झाड़ती रही। और अब जो अमेरिका के रिपोर्ट ने दावा किया है उससे तो यह साफ हो जाता है कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से जूझाने वाला देश कोई और नहीं बल्कि चीन ही है। अब हम आपको अमेरिका के उन दावों के बारे में बताते हैं जिससे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल अमेरिका ऊर्जा विभाग की खुफिया रिपोर्ट में कोरोना वायरस चीन की कौन से जगह से फैला था इसका खुलासा किया गया है। अमेरिका ऊर्जा विभाग ने बताया कि कोरोना वायरस एक चीनी प्रयोगशाला से लीक होने के बाद फैला था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी देते हुए बताया है कि व्हाइट हाउस और अमेरिकी संसद के प्रमुख सदस्यों को सौंपी गई एक खुफिया रिपोर्ट में यह संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि एजेंसी के पास काफी वैज्ञानिक विशेषज्ञता है जो कि अमेरिकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के नेटवर्क की देखरेख करती है, जिनमें से कुछ उन्नत जैविक अनुसंधान करती है। आपको बता दें यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने चीन के लैब से कोरोना वायरस के फैलने का दावा किया है। इससे पहले भी FBI यानी कि फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पहले से ही इस बात की आशंका जता चुका है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के लैब से ही हुई थी। 2021 की अपनी एक रिपोर्ट में FBI ने कोरोना महामारी एक प्रयोगशाला रिसाव का परिणाम थी। वहीं अब ऊर्जा विभाग भी FBI की राय से सहमत हो गया है। वहीं इन सब दावों के बाद भी कुछ ऐसी एजेंसियां हैं जिनका मानना है कि कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से फैला, तो वहीं पर कुछ ऐसी भी एजेंसियां हैं जो किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हैं। कोरोना महामारी ने जो मार्च 2020 के बाद तबाही मचाई उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। एक ऐसी महामारी जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। WHO के मुताबिक कोरोना के कारण दुनिया भर में 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई है। पूरी दुनिया कुछ समय के लिए ठप हो गई थी। इसके वजह से व्यापार भी बाधित हुआ, यहाँ तक कि लोगों का घर से निकलना दुर्लभ हो गया था और ही ना जाने क्या क्या। बहरहाल अभी की खबरों में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें JBT लाइव के साथ। नमस्कार।